देखिए क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोल रहा है, कह रहा है कि वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच एंगल ऑफ द थ्री इक्वल एंगल्स, करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री। तो बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास इस तरीके से कुछ, करेक्ट, ये देखिए, और इसमें एक एंगल हमको दिया है 108 डिग्री और जो रिमेनिंग थ्री एंगल्स है, ठीक है, सपोज क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, तो इसमें एक एंगल का वैल्यू 108 है और जो रिमेनिंग थ्री एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों आपस में इक्वल है, और जो थ्री एंगल्स इक्वल है यानी कि ए बी और सी, इसका वैल्यू हमें यहां पर बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एंगल ए बी और सी अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल एंगल्स को x डिग्री के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो माना कि एंगल ए भी कितना है x डिग्री, बी भी कितना है x डिग्री और सी भी कितना है x डिग्री, करेक्ट। तो लेट किया हमने क्या कि भाई लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू x डिग्री, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल है और तीनों ही x के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकाल दो तो इक्वल एंगल्स का वैल्यू यहां पे आपको पता चल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। नाउ ए कितना है, एक्स है, बी एक्स है और सी बी क्या है, एक्स है और डी आपका 108 है। सो एक्स की जगह, ए की जगह हमने एक्स रखा, बी की जगह हमने एक्स रखा, सी की जगह हमने एक्स रखा और डी की जगह हमने क्या रखा, 108 डिग्री रखा, करेक्ट। सो यहां से बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, सो 3x डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो 3x डिग्री प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 108 राइट में जाएगा और यहां से आ जाएगा आपके पास 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस, देखो 108 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 360 माइनस 108 आई थिंक कितना बचना चाहिए 252, ओके। सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 252 डिग्री। नाउ तो बच्चों अब ध्यान दो जरा, 3 इंटू एक्स है ना, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 3 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। नाउ 3 वन जा 3, 3 एट जा 24, 1 जाएगा 2 के पास तो 2 क्या बन जाएगा 12, ओके, और 3 फोर जा कितना होता है 12। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 84। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि एंगल ए भी कितना है 84 डिग्री, एंगल बी भी कितना है 84 और एंगल सी भी कितना है 84 डिग्री। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे हेंस ईच ऑफ द थ्री एंगल्स विच आर इक्वल हैव द वैल्यू 84 डिग्री, ओके, कर लीजिए।